पिछले में हमने अपनी बुक का का कर लिया था और आज आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी exercise. तो आज का आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चलिए लेक्चर की तरफ तो स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रमेटिव याद होंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे चलिए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन क्या है डैश कमांड इज यूज टू इरेज द कमांड फ्रॉम इनपुट बॉक्स और ऑप्शन देखेंगे हमारे पास क्या है एस टी कमांड सी टी एंड सी एस आपको पता है कि एस टी कमांड जो है वो टल को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है और सी टी कमांड टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है और सी एस कमांड क्या होती है आपके ड्राइंग एरिया को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है तो अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी कमांड फिट आती है ची स्टूडेंट सी टी कमांड वो कमांड जो के टेक्स्ट को इरेज करती है वही कमांड हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द लोगो कमांड्स आर कॉल्ड पेंटिंग प्रिंटिंग या फिर प्रिमेटिव तो स्टूडेंट्स अगर आपको बिल्कुल पहला लेक्चर याद हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि प्रिमेटिव क्या होते हैं प्रिमेटिव होते हैं लोगो की कमांड्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्रिमेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कमांड प्रिंट द टेक्स्ट इन ड्रॉइंग एरिया ऑप्शन है प्रिंट लेबल या सेट हेडिंग स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रिंट कमांड और लेबल कमांड का फर्क मैंने आप लोगों को कल बताया था प्रिंट कमांड क्या करती है आपके टेक्स्ट को रिकॉल लिस्ट में प्रिंट कर देती है और लेबल कमांड क्या करती है आपके टेक्स्ट को ड्राइंग एरिया में प्रिंट करती है ठीक है और सेट हेडिंग क्या करती है आपके टर्टल की डायरेक्शन को सेट करती है हम देखेंगे इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है लेबल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लेबल आपके टेक्स्ट को ड्राइंग एरिया में प्रिंट करता है चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डैश कमांड शोज द टर्टल एच टी कमांड एस टी कमांड या फिर सी एस कमांड तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एच टी कमांड क्या होती है हाई टर्टल जो कि आपके टर्टल को हाइड करती है और एस टी कमांड क्या होती है शो टर्टल जो कि आपके टर्टल को शो करती है और सी एस कमांड क्या करती है क्लियर स्क्रीन करती है तो इन तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है चलिए देखते हैं आप दूसरे क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन है आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है डैश कमांड प्रिंट्स द टेक्स्ट इन द रिकॉल लिस्ट तो स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया दो तरह के कमांड जो हैं वो आपके टेक्स्ट को प्रिंट करती हैं प्रिंट कमांड और लेबल कमांड अब इन दोनों में फर्क क्या है प्रिंट कमांड टेक्स्ट को कहाँ प्रिंट करती है रिकॉल लिस्ट में और लेबल कमांड करती है ड्राइंग एरिया में तो यहां पर हम क्या लिखेंगे प्रिंट कमांड यानी के पी आर जी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डैश हाइड्स द टाइटल कौन सी कमांड है जो कि टाइटल को हाइट करती है हाइट टर्टल यानी के एच टी तीसरा क्वेश्चन है आपके पास डैश ब्रिंग्स द टर्टल टू होम कौन सी कमांड है जो कि आपके टर्टल को इसकी होम पोजीशन पर लाती है याद करें सेकंड लेक्चर में आपको बताया था होम कमांड जी स्टूडेंट्स तो आपका लास्ट क्वेश्चन है डैश इरेज द इनकरेक्ट लाइंस कौन सी कमांड ऐसी है जो कि आपकी इनकरेक्ट लाइंस को इरेज करती है अब इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी छुपा हुआ है इरेज ऐसी कौन सी कमांड थी जो कि आपकी लाइंस को इरेज करती थी पेन इरेज यानी के पी ई तो स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है थर्ड क्वेश्चन में हमने करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स को डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आर टी कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल लेफ्ट आर टी कमांड कौन सी थी राइट कमांड राइट कमांड क्या करती थी आपके टर्टल को राइट की तरफ टर्न करती थी इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी होगी रॉन्ग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स हाई टर्टल शोज द टर्टल हाई टर्टल कभी भी आपके टर्टल को शो नहीं करता बल्कि इसको हाइड करता है तो ये भी स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे प्रिंट कमांड ओनली प्रिंट्स द सेंटेंस जी स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि प्रिंट कमांड में हमने तीन तरह की कमांड्स देखी थी जो कि प्रिंट करती थी नंबर्स को वर्ड्स को और सेंटेंसेस को यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रिंट कमांड सिर्फ सेंटेंस को प्रिंट करती है। तो यह आपकी स्टेटमेंट हो गई रौंग. अगली स्टेटमेंट है सी एस एंड सी टी कमांड डू द सेम वर्क सी एस कमांड क्या करती थी क्लियर स्क्रीन और सी टी कमांड क्या करती है क्लियर द टेक्स्ट अब इसी से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इन दोनों कमांड्स का काम बिल्कुल डिफरेंट है और एक जैसा नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग जी स्टूडेंट्स तो अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बची है चलिए देखते हैं कि वो रॉन्ग होगी या फिर राइट होगी जी स्टूडेंट्स तो देखें अपनी फोर्थ स्टेटमेंट एफ डी एंड बीके आर लोगो प्रेमेटिव तो स्टूडेंट्स एफ डी क्या है फॉरवर्ड कमांड और बीके क्या है बैकवर्ड कमांड तो क्या ये दोनों लोगो लोग हैं जी बिल्कुल ये दोनों कमांड्स लोगो प्रेमेटिव हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपने तीनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है अब चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ के आंसर करना है पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है विच कमांड इज यूज टू ब्रिंग द पेन डाउन जी याद करें कौन सी कमांड थी जो कि पेन डाउन करती थी जी स्टूडेंट्स पेन डाउन यानी के पी डी अगला क्वेश्चन देखिए विच कमांड इज यूज टू पिक द इरेजर कौन सी कमांड थी जो कि आपके टाइटल को बताती थी कि अब उसने इरेजर को पिक करना है जी स्टूडेंट्स, पेन इरेज यानी के पी ई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कमांड इज यूज टू क्लियर द ड्रॉइंग जी स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कमांड थी जो कि ड्राइंग को क्लियर कर देती थी याद करें जी बिल्कुल क्लियर स्क्रीन यानी के सी एस तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन के सिर्फ तीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और इसका हम फोर्थ पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को बहुत इंजॉय किया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज